फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। हाइड्रो पावर प्लांट में जो है पानी का यूज करते हैं टरबाइन को चलाने के लिए, और थर्मल पावर प्लांट में भाप का यूज करते हैं उसको चलाने के लिए। इसमें हमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए पहले वो जानते हैं। इसमें हमें कोयला, बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, टरबाइन, कंडेंसर, जनरेटर और चिमनी या एग्जॉस्ट, ये इक्विपमेंट हमको चाहिए। अब इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमने जहाँ कोयला स्टोर किया है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं डेड स्टोरेज और एक को बोलते हैं लाइव स्टोरेज। लाइव स्टोरेज तो लाइव चलता है कोयला भट्टी में, और डेड स्टोरेज का मतलब है हम उसको 40 दिन तक रख सकते हैं स्टोर कर, उसको बोलते हैं डेड स्टोरेज। अब सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कोयले को बारीक पीस कर बॉयलर में भेजते हैं। उसके अंदर एक भट्टी चल रही है, भट्टी चल रही है जो स्टील के जो पाइप आप देख रहे हैं उसमें हम पानी छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं एक वाटर पंप द्वारा। वाटर पंप के बाद इकोनोमाइज़र लगाते हैं जो उसको पानी को गर्म करता है। इसमें पाइपों में गर्म पानी भेजते हैं ना कि ठंडा पानी, जिससे इसकी एफिशिएंसी अच्छी रहे। अब इन पाइपों के अंदर एक सुपर हीटर लगा होता है जो उसको टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करता है। अब भट्टी से जो पाइपों के अंदर पानी हमने भेजा है उसको भाप में तब्दील करती है, वो भट्टी भाप में चेंज करती है। अब भाप में चेंज करती है वो भाप जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की भाप होती है। उस भाप को अब हम डायरेक्ट टरबाइन के ब्लेडों पर भेजते हैं, टरबाइन के ब्लेडों पर छोड़ते हैं, जिससे टरबाइन घूमने लगती है और टरबाइन से कनेक्ट जनरेटर भी घूमने लगता है। जनरेटर जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब हमको उसको स्टेप अप करना है वोल्टेज को, तो ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हैं। अब जो भाप हमने टरबाइन के ब्लेडों पर छोड़ी है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। अब उसको हम कंडेंसर में भेजते हैं। कंडेंसर में आप पाइप देख रहे हैं जिसमें ठंडा पानी बह रहा है। इस ठंडे पानी के संपर्क में जब भाप आती है तो वो पानी में बदल जाती है। पानी में बदलने के बाद उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, दोबारा बॉयलर में भेजकर उसको यूज कर सकते हैं। बॉयलर में जो भट्टी चल रही है उसका धुआं निकलने के लिए एक चिमनी लगाते हैं, चिमनी या एग्जॉस्ट, जो बाहर वातावरण में उसका धुआं जाता है। चिमनी के अंदर एक जाली टाइप के लगाते हैं जिससे कोयले के कण बाहर वातावरण में ना जा पाए। अब ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इस तरह हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब भारत में जो है सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है, जिसकी कैपेसिटी 4760 मेगावाट है। 4760 मेगावाट है। आई होप यू आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो संबंधित आपको कोई भी जानकारी या सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।